एक्टिंग किसे कहते हैं, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल रणबीर कपूर नहीं बल्कि मनोज वाजपेयी हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि भाई साहब एनिमल सबके लिए नहीं है। आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने एनिमल देखी है उनके लिए जोरम बिल्कुल नहीं है। इस फिल्म में ना तो फालतू का ग्लैमर है, ना ही फालतू के गाने, ना ही फालतू का खून खराबा, ना ही फालतू की गाली गलौज। इस फिल्म की कोई हाइप नहीं है, लेकिन ये मूवी मेरे लिए सुपर डुपर हिट है। देखो यार, हर कोई ना बात कर रहा है फिल्म सालार के बारे में, डंकी के बारे में, एनिमल के बारे में कि भाई कितनी बढ़िया बढ़िया मूवीज आई हैं इस साल। लेकिन आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने वाली हूँ फिल्म जोरम के बारे में कि ये फिल्म कैसी थी और क्यों मेरे लिए सुपर हिट है। तो आज के इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर लो, चैनल पर आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो यार। बड़ा बड़ा पेड़ हुआ करता था जोरम। मनोज वाजपेयी की मास्टरपीस फिल्म जोरम रिलीज हो चुकी है थिएटर्स में। मास्टरपीस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को मैं एक इमोशनल ड्रामा थ्रिलर फिल्म कह सकती हूँ। इस फिल्म में हर वो एक इमोशन है जो आपको देखना चाहिए। मनोज वाजपेयी ने अपनी एक्टिंग के जरिए ना लोगों का दिल हमेशा जीता है, चाहे वो OTT पर उनकी वेब सीरीज हो, चाहे थिएटर में उनकी फिल्में हो। जितना भी रोल उन्हें दिया गया ना, उसके साथ इस इंसान ने हमेशा जस्टिस किया है। बाकी यार, इस फिल्म की हाइप तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि ऐसी फिल्में ना एनिमल जैसी फिल्मों के अगर आसपास रिलीज हो जाती है ना, तो कहीं दब कर रह जाती हैं। फिल्म की कहानी क्या थी, चलिए आपको सबसे पहले वो बताती हूँ। इस फिल्म की कहानी झारखंड के दसरू की है और उसकी वाइफ की। ये लोग अपना गांव छोड़कर मुंबई शहर आ जाते हैं, सपनों की नगरी में। वहां पर पूरे 5 साल से रह रहे होते हैं, अच्छी खासी इनकी जिंदगी चल रही होती है। लेकिन इनके जीवन में तूफान जब मचता है, जब एक दिन दसरू अपनी वाइफ के लिए साड़ी लेकर घर पहुंचता है तो अपनी बीवी को मरा हुआ देखता है और उसकी छोटी सी बच्ची जिसका नाम जोरम होता है वो अपनी माँ की लाश को लिपटकर रो रही होती है। और जब वो अपनी बच्ची को उठाने जाता है तो दसरू पर भी हमला होता है। हमला क्यों होता है, क्यों अपनी बच्ची को लेकर वो भागता है वहां से, क्यों उसकी बीवी को मारा जाता है, इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी ना यार। देखो यार, फिल्म की सबसे अच्छी चीज ये है कि इस फिल्म को ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। इमोशनल थ्रिलर फिल्म है तो आपको हर इमोशन फील करने का पूरा मौका दिया जाएगा। इस फिल्म को जानकर हैरान रह जाओगे कि किसी भी बड़े बड़े सेट पर, बड़ी बड़ी लोकेशंस पर जाकर नहीं शूट किया गया है, बल्कि ये फिल्म रियल लोकेशन पर जाकर शूट की गई है। इमोशन के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐसा चूज किया गया है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अपने गांव देखेगी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया देवाशीष मखीजा ने, जिन्होंने इससे पहले हमें साइकिल, इलायची, ब्लैक फ्राइडे जैसी अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्में वो ऑलरेडी दे चुके हैं और अपने काम का एग्जाम्पल हमारे सामने पहले ही रख चुके हैं। अगर मैं इस फिल्म को देखूँ ना, तो वो सिर्फ मनोज वाजपेयी है जिनकी वजह से फिल्म में देखना पसंद करूंगी। मनोज वाजपेयी को एक्टिंग की क्लास कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा कमाल की है। फिर चाहे वो गैंगस्टर वाला रोल करवा लो या फिर ऐसी स्टोरी वाली कहानियों के अंदर रोल करवा लो जिनमें इन्होंने बिना लड़े गोलियों का सामना किया हो, इनकी हर फिल्म में आपको इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस का एग्जाम्पल मिल जाएगा। और वैसे जिस तरीके की ये फिल्म है ना, ऐसी फिल्में ना हॉलीवुड थ्रिलर फिल्मों में भी होती हैं कि दो चीजें कंट्रास्टिंग तरीकों से चल रही है, एक वो जिसका पीछा हो रहा है और दूसरा वो जो पीछा कर रहा है। मनोज वाजपेयी ने अपने हर इमोशन को ना बहुत अच्छे तरीके से अपने फेस पर दिखाया है कि कैसे एक छोटी सी बच्ची को जब वो गोद में लेके भाग रहा होता है ना, तो उसके चेहरे पर कौन सा इमोशन दिखना चाहिए, कितना डर और कितना सहमा हुआ मनोज वाजपेयी सीन में दिख रहा है, या फिल्म देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और शायद यही तो एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है कि जिस भी वो सिचुएशन में हो, वो सिचुएशन आपको वो सेम फील करा दे। मनोज वाजपेयी एक्टिंग में कभी पीछे नहीं रहते हैं, हमेशा वो अव्वल दर्जे के एक्टर रहे हैं और आगे भी हमारे लिए रहने वाले हैं। यहाँ पर मुझे किसी से शिकायत है तो वो सिर्फ बॉलीवुड वालों से है। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भाई, मनोज वाजपेयी जो हमेशा छोटे रोल करते हुए नजर आते हैं, हमेशा कम बजट वाली फिल्मों में नजर आते हैं, ऐसी फिल्में कई सारे अवार्ड तो ले जाती हैं, लेकिन ये उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है जो सच में ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं। एनिमल मूवी की वजह से ऑलरेडी इस मूवी की बहुत ज्यादा कम हाइप है। मतलब हर थिएटर में आपको एनिमल का शो देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही कम थिएटर है जिन्होंने इस फिल्म को स्क्रीन दी है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें ना तो आपको कोई गाली गलौज, ना खून खराबा, ना न्यूडिटी, ना खुद को अल्फा मैन कहने वाला एनिमल, और ना एक ऐसा हीरो जिसके मुंह में हर टाइम सिगरेट रहती है, ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ऐसी फिल्में ना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाती हैं। ये फिल्म ऑलरेडी सिडनी फिल्म फेस्टिवल, बुसान फिल्म फेस्टिवल और शिकागो फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है।
मतलब हर किसी के लिए नहीं है ये मूवी, लेकिन एनिमल से बेहतर है, एनिमल से बड़ी सुपर डुपर हिट हो सकती है अगर आप एक अच्छे सिनेमा लवर है और आप सिनेमा की रिस्पेक्ट करते हैं तो। अब ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है ये तो आपका डिसीजन है, लेकिन हाँ अगर कुछ अच्छा देखना चाहते हो, अच्छा कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो थिएटर में जरूर जाकर देखिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप फिल्मी चार्ट गर्ल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए।